अब हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के अंदर देखेंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग MFQS। अब हम देखेंगे मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इन ए मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द प्रोसेस बेस्ड ऑन देयर टाइप आर असाइंड टू ए स्पेसिफिक क्यू। हमें पता है कि जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग होती थी उसके अंदर प्रोसेस को उनके टाइप के अकॉर्डिंग क्यू में रखा जाता था कि हायर प्रायोरिटी जो प्रोसेस हैं सिस्टम प्रोसेस उनको हायर प्रायोरिटी क्यू में, जो इंटरेक्टिव प्रोसेस थे वो मीडियम प्रायोरिटी क्यू में जाते थे और जो बैच प्रोसेस थे वो लोअर प्रायोरिटी क्यू में जाते थे। ये ऐसा होता था हमारे मल्टी लेवल क्यू में। द प्रोसेस ऑफ वन क्यू आर नॉट अलाउड टू मूव इनटू अनदर क्यू। और एक जो प्रोसेस को जो क्यू असाइन हो जाती थी वो उसी में रहता था, वो दूसरी क्यू में नहीं जा सकता था। लेकिन जो हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड इट अलाउज ए प्रोसेस टू मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर। इसमें जो है प्रोसेस एक क्यू से दूसरे क्यू में मूव कर सकता है। दिस मूवमेंट ऑफ प्रोसेस डिपेंड्स ऑन इट्स रन टाइम बिहेवियर और वी कैन से CPU बर्स्ट ऑफ द प्रोसेस। ये कैसे एक जो प्रोसेस है दूसरे क्यू में कैसे मूव करेगा ये डिपेंड करता है कि उसका CPU बर्स्ट कितना बड़ा है, CPU बर्स्ट के अकॉर्डिंग। कुछ इस तरह से होता है हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास तीन क्यूज हैं। ये सपोज करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू है हमारी, ये हमारी मीडियम प्रायोरिटी क्यू है और ये हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी क्यू है। तो हर एक प्रायोरिटी क्यू के लिए प्रोसेसेस हैं, ये कुछ क्यू में मेंटेन्ड है प्रोसेस 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो है ये प्रोसेस का टेल है। टेल मतलब जहाँ से प्रोसेस को नए प्रोसेस को एंटर कराया जाएगा, नए प्रोसेस इंसर्ट होंगे। और ये हेड है हमारी क्यू का। हेड मतलब जहाँ से प्रोसेस एक एक करके निकाले जाएंगे और CPU को एलोकेट किए जाएंगे। तो हमेशा जो नया प्रोसेस इंसर्ट होता है वो टेल पे इंसर्ट होता है और जो नया प्रोसेस CPU को एलोकेट करने के लिए निकाला जाता है वो हेड से निकाला जाता है। इसी तरह से इसका ये हेड टेल है और ये इसका हेड है। इसी तरह से इस वाले क्यू का ये हेड है, सॉरी ये टेल है और ये हेड है। जितनी भी क्यूज हैं हर एक क्यू को एक टाइम एलोकेट होता है, टाइम स्लाइस एलोकेट होता है, उतनी देर के लिए ही उस क्यू के पास CPU रहेगा। टाइम स्लाइस या क्वांटम हम कह सकते हैं। तो जितना भी टाइम क्वांटम मिलेगा CPU का उसी में इन सारे प्रोसेस को, प्रोसेस 1, 2, up to n को इसको सर्कुलेट करना है CPU इनके बीच में। इसी तरह से फिर मीडियम प्रायोरिटी क्यू जो है, मीडियम प्रायोरिटी क्यू को CPU का टाइम स्लाइस एलोकेट हो जाएगा। तो उसी तरह से मीडियम प्रायोरिटी क्यू को अपने प्रोसेसेस के बीच में टाइम जो है CPU टाइम सर्कुलेट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। इस तरह से होता है। समझते हैं कैसे वर्क करती है MFQS क्यू शेड्यूलिंग। इन MFQS क्यूज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्यूज को अरेंज कर देते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी अभी हमने देखा, मीडियम प्रायोरिटी एंड देन लोअर प्रायोरिटी। विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू एट टॉप ईच क्यू इज असाइंड सम परसेंटेज ऑफ CPU टाइम। हर एक क्यू को CPU के टाइम का कुछ परसेंटेज एलोकेट कर दिया जाता है। द प्रोसेस विद इन द क्यू आर प्रोसेस्ड इन फीफो मैनर। हर एक क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में प्रोसेसेस को CPU एलोकेट करती रहती है। जो नया प्रोसेस आता है वो क्यू के टेल में डाल दिया जाता है और नया जो भी जिस प्रोसेस को नेक्स्ट CPU एलोकेट होना है वो हेड से उठाया जाता है। क्यू के हेड से प्रोसेस उठाया जाता है और CPU को एलोकेट कर दिया जाता है। व्हेन ए न्यू सिस्टम एंटर्स द सिस्टम इट इज इंसर्टेड एट द टेल। आफ्टर सम टाइम द प्रोसेस रीचेस द हेड ऑफ द क्यू एंड इज असाइंड द CPU। धीरे धीरे टेल से बढ़ते 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 प्रोसेस जो है हेड पे आ जाता है और हेड से प्रोसेस को उठा के CPU एलोकेट कर दिया जाता है। इफ द प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड विद इन द गिवन टाइम स्लाइस ऑफ द क्यू टू विच इट बिलोंग्स द प्रोसेस एग्जिट द सिस्टम। प्रोसेस को जैसे ही CPU मिलता है वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अगर उसका एग्जीक्यूशन उस टाइम स्लाइस में कंप्लीट हो जाता है, हर एक क्यू को CPU का एक टाइम स्लाइस मिला हुआ है, तो अगर प्रोसेस विद इन दैट टाइम स्लाइस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है प्रॉपरली। बट इफ द प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द गिवन स्पेसिफिक टाइम स्लाइस ऑफ द क्यू टू विच इट बिलोंग्स देन द प्रोसेस इज मूव डाउन टू द टेल ऑफ द लोअर प्रायोरिटी क्यू। इसका मतलब ये है कि सपोज करते हैं प्रोसेस 1 को CPU एलोकेट हुआ, CPU एलोकेट हुआ और उसका टाइम स्लाइस था, CPU जो है विद इन एक टाइम स्लाइस के लिए एलोकेट होता है हर एक क्यू को। तो टाइम स्लाइस के अंदर प्रोसेस 1 ने अपना एग्जीक्यूशन नहीं कंप्लीट किया, तो क्या होगा,
प्रोसेस वन जो है यहाँ से इस वाली क्यू से निकल कर जो लोएस्ट प्रायोरिटी जो इससे नीचे वाली प्रायोरिटी की क्यू है यानी कि इस वाली क्यू में आके इसके टेल में इंसर्ट कर दिया जाएगा इसको। प्रोसेस वन ने अपनी यहाँ पे जो प्रोसेस था जो भी प्रोसेस था ए बी सी डी किसी को भी मान लेते हैं प्रोसेस ए मान लेते हैं, प्रोसेस ए को सी पी यू एलोकेट हुआ लेकिन उसने अपने टाइम स्लाइस में उसको कम्प्लीट नहीं किया एग्जीक्यूशन को, तो प्रोसेस ए को यहाँ मूव करके अपने से ठीक लोअर जो नेक्स्ट लोएस्ट प्रायोरिटी क्यू थी उसमें शिफ्ट कर दिया गया, उसके टेल पे इंसर्ट कर दिया गया। तो ये जो एरो जा रहा है यहाँ से ये यही शो कर रहा है। इसी तरह से फिर मीडियम प्रायोरिटी क्यू को टाइम मिला, मीडियम प्रायोरिटी क्यू में प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहे, अब जो भी प्रोसेस अपना टाइम स्लाइस के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया उसको उठा के नेक्स्ट लोएस्ट प्रायोरिटी क्यू के टेल के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। इस तरह से होता चला जाता है हमारा कि जो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता उसको टाइम स्लाइस के अंदर तो उसको अपने से ठीक नीचे वाली जो क्यू है उसके टेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि MFQS में एक प्रोसेस को एक चांस मिलता है कंप्लीट होने का, अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाता अपने गिवन टाइम स्लाइस में तो इट इज़ मूव डाउन टू द लोअर प्रायोरिटी क्यू, तो उसको अपने से नीचे वाली प्रायोरिटी की जो क्यू है उसमें मूव कर दिया जाता है। इफ़ ए प्रोसेस हैज़ ए लॉन्ग सी पी यू बर्स्ट एंड नॉट कम्प्लीटेड विद इन द टाइम स्लाइस इट इज़ मूव टू लोअर प्रायोरिटी क्यू। तो हमने ये देखा कि अगर एक प्रोसेस का सी पी यू बर्स्ट टाइम लंबा है और वो टाइम स्लाइस के अंदर कम्प्लीट नहीं हो रहा तो उसको हमने नीचे वाली प्रायोरिटी क्यू में शिफ्ट कर दिया। दिस अप्रोच लीव्स इनपुट आउटपुट बाउंड एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस इन द हायर प्रायोरिटी क्यूज। इसकी वजह से क्या होता है मूव करते करते जो है इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस और इंटरेक्टिव प्रोसेस जो है हायेस्ट प्रायोरिटी क्यू में चले जाते हैं हायर प्रायोरिटी क्यूज में। Also a process that waits too long in a lower priority queue may be moved to a higher priority queue। और इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं कि जो process lower priority queue में बहुत देर से CPU के लिए wait कर रहे थे उन्हें CPU नहीं मिल रहा था उनको हम higher priority queue में move कर सकते हैं, इसे हम aging कहते हैं। This aging techniques prevents low priority process from being starved for CPU time। इसकी वजह से जो lower priority process हैं वो starve नहीं करते उनको भी CPU time मिलता है। हम diagram में देखते हैं एक बार, ये देखिए ये जो डॉटेड एरो लाइन जा रही है ये बता रही है कि जो लोअर यहाँ जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी क्यू थी इसके कुछ प्रोसेसेस को हमने उठा के इससे जस्ट जो हायर प्रायोरिटी क्यू थी उसमें डाल दिया। इसी तरह से ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है जो डॉटेड लाइन है कि जो मीडियम प्रायोरिटी क्यू में प्रोसेस बहुत देर से वेट कर रहे थे उन्हें सीपीयू नहीं मिला उन्हें उठा के हमने इसमें डाल दिया हायर प्रायोरिटी क्यू में। तो इसी वजह से जो इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं वो हायर प्रायोरिटी क्यू में चले गए, यहाँ जो इनपुट आउटबाउंड प्रोसेसेस थे वो हायर प्रायोरिटी क्यू में चले गए। तो इस तरह से जो प्रोसेस अपना टाइम स्लाइस में काम नहीं कर रहे उनको तो हम लोअर प्रायोरिटी क्यू में शिफ्ट कर रहे हैं और जो प्रोसेस बहुत देर से वेट कर रहे हैं लोअर प्रायोरिटी क्यू के अंदर उनको हम मूव कर देते हैं हायर प्रायोरिटी क्यू में। अब हम देखते हैं शेड्यूलिंग पैरामीटर्स यूज्ड इन MFQS। इन जनरल सम पैरामीटर्स आर कैप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग ए मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर। जब भी हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग डिजाइन करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट हाउ मैनी लेवल्स ऑफ क्यू आर देयर, हमें कितने लेवल्स ऑफ क्यू रखने हैं। यहाँ पे तो मैंने थ्री लेवल्स दिखाए हायर प्रायोरिटी क्यू मीडियम प्रायोरिटी क्यू एंड लोअर प्रायोरिटी क्यू। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है कम की है तो हम उसी हिसाब से लेवल्स को घटा बढ़ा सकते हैं। व्हाट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ टू बी फॉलोड इन क्यूज एट डिफरेंट लेवल्स। हर एक जो लेवल पे क्यू है उसमें कौन सा एल्गोरिदम फॉलो किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब, राउंड रॉबिन, जो भी ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे हमारी। When to move a process to a higher priority queue, कौन से प्रोसेस को और कब जो है हायर प्रायोरिटी क्यू में मूव करना है, ये मतलब एजिंग जो हम कर रहे थे कि लोअर प्रायोरिटी क्यू से उठा के हम प्रोसेस को हायर प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे थे अगर वो बहुत देर से वेट कर रहा है तो ये डिसीजन कब लेना है हमें, कब मूव करना है प्रोसेस को। When to move a process to a lower priority queue, इसी तरह से कब प्रोसेस को उठा के जिसका अपना टाइम स्लाइस में काम नहीं हुआ लोअर प्रायोरिटी क्यू में डालना है। To determine which queue a process will be inserted when that process needs service, और उसी तरह से कि कौन सी queue में जो नया process enter हुआ है तो कैसे decide करना कि इसको कौन सी queue में insert करना है। तो ये सब चीज़ें हमें multi-level feedback queue scheduling में ध्यान रखनी पड़ती हैं जब हम उसकी designing करते हैं। तो ये था हमारा multi-level feedback queue scheduling। तो इस तरह हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग देखी,
shortest job first scheduling देखी, priority scheduling देखी, round robin scheduling देखी, multi-level queue scheduling देखी और multi-level feedback queue scheduling देखी. तो ये थे हमारे scheduling algorithms. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी sonali@timerays.com. थैंक यू.